गुड मॉर्निंग, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हम अभी उठे हैं, बहुत ही तगड़ी नींद आई, बहुत ही सुकून वाली। और बाहर का अगर नज़ारा देखोगे आप दंग रह जाओगे। अभी स्नोफॉल रुक चुकी है, लेकिन रात को जो स्नोफॉल हुई है और जो उसने नज़ारा छोड़ा है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। जब हम आए थे ये वाली चट्टान बिल्कुल ब्राउन थी, ये पत्थरों वाली चट्टान थी एकदम, और अब देखो एकदम वाइट। सामने वाला पहाड़ वो देखो, वो तो बिल्कुल आइसक्रीम बन चुका है। एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल। उधर बच्चे खेल रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग, हम कहाँ जा रहे हैं अनु? हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर, जहाँ पर हमारी कार पार्क है, और देखते हैं कि कार के आसपास कितनी बर्फ है। एक बार कार को स्टार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि जब निकलेंगे तो इंजन ठंडा हो चुका होगा, तो वो भी ज़रूरी है। और कुछ खाने पीने का आइटम है गाड़ी में, वो भी लेके आ रहे हैं। और स्नोफॉल दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और हमें उम्मीद है हम यहाँ 2-3 दिन और फंसे रहेंगे, नहीं तो हमें था कि शायद आज रास्ता साफ हो जाए, हम कल निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम यहाँ 2-3 दिन और रहेंगे। वो दिस इज इट लुक्स लाइक पूरा ऐसे चादर सी बिछी हुई है, सो ब्यूटीफुल, बट ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ये है चिटकुल का छोटा सा गांव, हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। वो रही हमारी कार। सो हियर इज आवर कार। मैं अभी आपको इसका नंबर दिलाता हूँ। 426 गुड़गांव। करीब 6-7 इंच तो आ ही चुकी है। नाइस। अब हमें गाड़ी को ऑन करना है। बर्फ हटाने के लिए हम कुछ लाए भी नहीं। कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं, एक बार में होती है नहीं। वो गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। पेट्रोल गाड़ी का यही फायदा है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर इसको स्टार्ट ही छोड़ देते। यस, थोड़ी देर इसको स्टार्ट छोड़ देते। हमने अपना सामान ले लिया और अब गाड़ी बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं। एंड वी होप कि शायद इसका इंजन नहीं रुकेगा, जिस हिसाब से ये अभी भी चल पड़ी, वी होप कि जब हम जा पाएंगे यहाँ से तो ये चल पाएगी। कॉफी पियेंगे, बहुत ठंड लग रही है। हमारा लंच आ चुका है,
बहुत ठंड है यार, कल से ज्यादा ठंड है आज। हम है चिटकुल में, हम रुके हुए हैं जॉस्टल में, आज हमारा दूसरा दिन है और फिर से स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। करीब 1 बज रहे हैं अभी और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। कल तो पूरी बहुत अच्छी ठंड थी, होटल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। और बट नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं, देखो एक बार बाहर, मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मज़ा आ रहा है बहुत। ये है इस जॉस्टल का कॉमन रूम, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, कुछ बुक्स हैं पढ़ने के लिए और काफ़ी सारे लोगों के बैठने की जगह है। बहुत ही कूल इसका एम्बियंस है, बहुत ही कूल इसका एम्बियंस है। गिटार भी रखा हुआ है, काउचेस भी हैं, जिसको जैसा मन करे पड़ जाए यहाँ पे। इट्स स्नोइंग कॉन्टिन्यूसली और परसों तक का प्रेडिक्शन है, तो परसों तक तो बहुत ज़्यादा स्नो हो जाने वाली है।